वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। तो वीडियो में हम लोग बात करेंगे इग्नू एमए सोशियोलॉजी की। आप लोग के बहुत से डाउट हैं, बहुत सी कंफ्यूज हैं, जो आप लोग मुझे मैसेज करके, कमेंट करके बार बार आप लोग कुछ चीज़ें पूछ रहे हैं। तो इस छोटी सी वीडियो में मैं आपके सारे डाउट को कंपाइल करके यहाँ पे आपके डाउट क्लियर कर रही हूँ। वेरी फर्स्ट डाउट देखिए, आपके जो एग्जाम है, आप लोगों को पता है, मैंने आपके साथ पीडीएफ शेयर कर दी है। आपके फाइनल ईयर के एग्जाम हो रहे हैं, फर्स्ट ईयर के एग्जाम अभी नहीं हो रहे हैं, तो अभी सिर्फ फाइनल ईयर पे फोकस कीजिए। वो बच्चे जो कह रहे हैं कि हमने फर्स्ट ईयर के एग्जाम भी भर दिए थे फाइनल के साथ, एक या दो पेपर रह गए थे, अभी क्लैरिटी नहीं है, तो जस्ट वेट फॉर सम टाइम, आप सेकंड ईयर के लिए प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि फर्स्ट ईयर के एग्जाम तो अभी हमें नहीं देने हैं। लेटर ऑन नोटिफिकेशन आएगी कि फर्स्ट ईयर के बच्चों को प्रमोट किया जा रहा है या उनके एग्जाम रखे जा रहे हैं बाद में, देन आफ्टर हम उस टॉपिक पर बात करेंगे और उसको डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। सेकेंड ईयर के लिए अभी देखिए, मैंने कुछ पर्टिकुलर बुक स्टार्ट की थी, बट प्रैक्टिकली मैंने पहले भी कहा है पॉसिबल नहीं होता है बुक इतनी जल्दी, मैंने सोचा है और मैं खत्म कर दूं, तो मैंने पहले कहा था जब आप लोगों की डेट रिलीज हो जाएगी कि आपके एग्जाम कब से है, तब से हम लोग क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। सो नाउ वी हैव द डेट, हमारे पास प्रॉपर डेट शीट है। तो अब आपके फाइनल ईयर के जितने भी सब्जेक्ट हैं, यानी कि आपका एमएसओई 1, 2, 3, 4, जितने ये चार तो पर्टिकुलरली एमएसओई 1, 2, 3, 4 हो गए हैं, देन आपका एमपीएस हो गया है 3 एंड एमपीए हो गया है 16, ये सारे के सारे टॉपिक, मतलब ये टोटल 6 सब्जेक्ट हैं। आप लोगों ने इनमें से कुछ चार ऑप्शन मतलब अपने अकॉर्डिंग चूज किए होंगे, तो मैं इन 6 सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के पेपर आप लोगों के साथ सॉल्व करूंगी। कोशिश करेंगे हम दो दो साल के पेपर एटलीस्ट कर ले। देखो 10 साल के पेपर होते हैं, मतलब सॉरी 10 क्वेश्चन होते हैं आपके एक क्वेश्चन पेपर में, 10 क्वेश्चन चॉइस आती है करने के लिए आपको, मतलब पर्टिकुलरली पार्ट ए पार्ट बी करके आता है एंड चॉइस आती है आपको। इन टोटालिटी 5 क्वेश्चन करने होते हैं, 20 मार्क्स इंटू 5 क्वेश्चन, दैट इज 100 मार्क्स। तो आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं, दो दो सेक्शन एक एक मतलब दो दो क्वेश्चन एक सेक्शन में से लेने होते हैं। तो हम जब 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, हम 5 करने हैं, हम 10 क्वेश्चन एटलीस्ट 20 क्वेश्चन तो कवर कर ही रहे हैं, तो आपके एग्जाम में आते हुए क्वेश्चन आने मतलब पेपर में मिल जाए, चांसेस जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। और अभी टाइम है, हम कोशिश करेंगे हम 2 से ज्यादा पेपर भी आपके कवर कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज रही। और कल मैंने इसके लिए, देखो अभी ऑनलाइन मटेरियल इकट्ठा करना, क्वेश्चन पेपर लेना थोड़ा सा मुश्किल हो रही है चीजें, तो मैंने बुक्स ही मंगा रखी हैं, मतलब पर्टिकुलरली मैंने ऑर्डर कर रखी है बुक्स की, बुक्स डिलीवर हो जाए और मैं लगातार वीडियोस आपको दे सकूं। बिना बुक के नेट पे से चीजें सब कुछ करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो बुक्स आ जाएंगी कल इवनिंग तक, मेरे पास बुक डिलीवर हो जाएंगी और माइट बी पॉसिबल कल रात या परसों सुबह से लगातार आपको दो दो तीन तीन वीडियोज मिलने लगेंगी सारे सब्जेक्ट की, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम वहां सॉल्व हो जाएगी। आई होप वीडियोस पिछले साल बच्चों की बहुत हेल्प करी थी, आप देख रहे हैं बच्चे बहुत कमेंट भी करते हैं पिछले साल हेल्प करी थी, तो इस साल भी ये जो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में रिवीजन है, आई एम डैम श्योर अगर आप रेगुलरली देखेंगे तो ये बहुत फ्रूटफुल रहने वाला है। ये सारी आपके अभी के एग्जाम की बात हो गई। उसके बाद बात आती है कि नोट्स की। नोट्स के लिए जो बच्चे ऑलरेडी पिछली बार वाले बच्चे देख रहे हैं एमएसओ 1, 2, 3, 4 का, गाइस प्लेलिस्ट बनी हुई है, कोई वीडियो इधर उधर नहीं है, बिखरी हुई नहीं है। आप लोग जस्ट जाइए प्लेलिस्ट, आपके होम पेज आता है, वीडियो ऑप्शन आता है, देन प्लेलिस्ट का ऑप्शन आता है, जस्ट क्लिक ऑन द प्लेलिस्ट, स्क्रॉल करेंगे नीचे एमएसओ 1, 2, 3, 4 सेपरेटली लिखा होगा, उसमें एमएसओ 1 के लेक्चर वाइज जितने चैप्टर कराए हैं उतने ही है, पूरे मैंने कराए नहीं है तो पूरे नहीं मिलेंगे, बाकी क्वेश्चन आंसर्स प्रॉपर वहां पे मेंशन है इन द प्लेलिस्ट सेक्शन, तो आप प्लेलिस्ट से वो कवर कीजिए, ओके। उसके बाद ये प्लेलिस्ट की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। सेकेंड ईयर की प्लेलिस्ट, क्योंकि अभी इतनी वीडियोस बनाई ही नहीं है मैंने टॉपिक वाइज, तो प्लेलिस्ट भी नहीं बनी है, तो जब मैं आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में रिवाइज कराना स्टार्ट करूंगी और 8-10 वीडियोस, ऐसा है कि बहुत सारी वीडियोस हो गई हैं, देन मैं प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दूंगी। वीडियो अपलोड करने के साथ साथ ही मैं टेलीग्राम पे वीडियो जो है वो शेयर कर देती हूँ, तो जस्ट ज्वाइन टेलीग्राम। पीडीएफ जो है, जो नई वीडियोस डालूंगी उसकी टेलीग्राम पे तुरंत शेयर करूंगी, बाकी जो पिछली कोई वीडियो आप लोग देख रहे हो और आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, फाइल सेक्शन पे जाइए, वहां पे पीडीएफ देखिए और पीडीएफ में आप लोग स्क्रॉल करके सारी पीडीएफ जो है वहां देख सकते हैं। स्टार्टिंग में जो पीडीएफ है जो आपको मिलेंगी वो आपको 12th क्लास की मिल जाएंगी और वहां पे इग्नू एमए की भी आपको जो फर्स्ट ईयर की है वो पीडीएफ वहां से मिल जाएंगी, तो आई होप आप वहां से पीडीएफ ले लेंगे और नई पीडीएफ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। आपको बाकी कोई भी डाउट है इग्नू एमए के रिगार्डिंग, कुछ भी और दिक्कत है, कोई भी और परेशानी है एग्जाम से रिलेटेड, तैयारी से रिलेटेड, देखिए वो तो कल के बाद सॉल्व हो जाएगी, कैसे करना है, नहीं हो पा रहा है, ये सब चीजें हैं। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए तो मैं प्रॉपर क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में नोट्स बना के, कॉपी पेन का तरीका आप लोग बेस्ट बताते हो तो मैं कॉपी पेन के तरीके से ही काम करूंगी, मैं कुछ ऐसे बोर्ड पे लिख के नहीं करा रही हूँ, प्रॉपर नोट्स के साथ, ताकि प्रॉपर आंसर का एक फॉर्मेट आपके पास पहुंच जाए, तो मैं कॉपी पेन ही यूज करके काम कराऊंगी, वेरी फर्स्ट थिंग। आप लोगों ने भी यही ज्यादा से ज्यादा मेजोरिटी ने यही बात बोली है। उसके बाद नेक्स्ट चीज यहाँ पे जो हमारे पास आती है, कॉपी पेन से आपको मिल जाएंगी पीडीएफ। बच्चों को डाउट रहता है चीजों को लेके, डिटेल लेक्चर्स
आगे आने वाले बच्चे उसका फायदा ले सकते हैं, अभी के एग्जाम वाले बच्चों के लिए पूरी डिटेल लेक्चर तो नहीं अवेलेबल हो पाएंगे, ठीक है। एक महीने में हम इतना नहीं कर सकते, बहुत लेंदी कंटेंट हो जाता है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे, इफ दे वॉन्ट, मैंने एक वीडियो बनाई है अभी आपके साथ एमएसओई 4 की, जिसमें मैंने स्क्रीन शेयरिंग करके आपको वो पूरा पढ़ के बताई है, चीजें समझाई है। अगर वो बेनिफिट कर रही है तो डू लेट मी नो, मैं वैसे ही सारे एमएसओई 1, 2, 3, 4 सबकी वैसे ही स्क्रीन शेयर करके पूरे पूरे चैप्टर आप लोगों को कवर करा सकती हूँ, बट इफ ओनली इफ, जब आप लोग चाहते हैं तो, ठीक है। हिंदी मीडियम के बच्चे अगर चाहेंगे तो वो काम किया जा सकता है, जिससे उन्हें एटलीस्ट समझ में आने लगे। लेकिन देखिए वही बात है, मैं बहुत ज़्यादा, देखिए आपने नोटिस किया होगा, मैं हर वीडियो में आपसे नहीं कह रही हूँ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, तो मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ आप लोगों से, बट आप लोगों को थोड़ा सा आप लोग सोच के चलिए कि अगर आप लोग एक ऑडियंस होगी तभी कुछ चीज़ें स्टार्ट करने में मेरा भी मतलब मुझे भी इंटरेस्ट रहेगा कि बच्चे देख रहे हैं और बच्चों को समझ में आ रहा है, अदरवाइज वो मेरा भी बेनिफिट नहीं रहेगा। मैं सीरीज स्टार्ट कर दूँ, ओनली 2, 3, 4, 5 बच्चे देख रहे हैं तो उसका बेनिफिट नहीं रहता है। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे बोलेंगे तभी मैं सीरीज को आगे कंटिन्यू करूंगी, ओके। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप इस वीडियो के कमेंट करके मुझे, मैं कोशिश करूंगी पर्सनली। देखिए इंस्टाग्राम पे भी आप लोग मुझे कर सकते हैं मैसेज, इंस्टाग्राम पे मैं तुरंत डाउट बच्चों के क्लियर करती हूँ इन द ऑडियो फॉर्म। तो इंस्टाग्राम पे एजुकेशन हॉटस्पॉट फॉलो कर लो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, बहुत अच्छे से तैयारी करके चलनी है और अच्छे नंबर हमें इस बार स्कोर करने हैं, ओके। बाकी जो भी डाउट है आप मुझे कमेंट कर सकते हो।